नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लखनऊ में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के एक लौते बेटे की मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में जान चली गई। एसीपी का 10 साल का बेटा लखनऊ में स्केटिंग प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था, तभी एक कार ने उसे चपेट में ले लिया, इससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जानेश्वर मिश्रा पार्क के पास सुबह करीब 5 बजे ये हादसा हुआ था। एसीपी श्वेता श्रीवास्तव का 10 वर्षीय बेटा नैमिष प्रैक्टिस करके वापस घर लौट रहा था। इस दौरान उसे पिपराघाट रोड पर सफेद रंग की एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी जान चली गई। कार को ट्रेस करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। श्वेता श्रीवास्तव लंबे समय तक कमिश्नरेट में तैनात रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नैमिष अपने कोच के साथ स्केटिंग प्रैक्टिस करने के बाद घर लौट रहा था, तभी गोमती नगर विस्तार के जानेश्वर मिश्र पार्क के पास तेज रफ्तार ने कार ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद नैमिष को राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। G20 रोड पे सुबह सुबह वॉक करते समय और हम लोग वहाँ जो CCTV वगैरह है उसके हिसाब से जो जिस गाड़ी के द्वारा धक्का लगा है उसको ट्रैक कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण घटना है, छोटा बच्चा था, सभी वरिष्ठ अधिकारी ने मौका का मुआयना किया है। यहाँ पे SCP और सभी लोग यहाँ पर हैं और हम लोग जल्द ही जो है उस गाड़ी पर छः बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ कहेंगे सर कि लोगों को? इस हादसे की सूचना मिलते ही बच्चे के घर और कॉलोनी में मातम पसर गया। लखनऊ की एडिशनल ACP से पहले श्वेता श्रीवास्तव गोमती नगर में CEO भी रह चुकी है। श्वेता श्रीवास्तव वर्तमान में एडिशनल ACP होकर SIT में तैनात है। उनके इकलौते बेटे की मौत के बाद पुलिस महकमे में भी शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस महकमे के लोग एडिशनल ACP के घर शोक जताने के लिए पहुँच रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।